गुड मॉर्निंग सचिकल की हाल चाल एंड कॉपी डॉल माय नेम इज रमन एंड वेलकम टू माय व्लॉग। और ये कपड़े और ये जो है ना यूनिफॉर्म देख के आप समझ ही गए कि हम क्या करने वाले हैं आज। एंड निकलने से पहले एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, हमारे घर पे कोई आया हुआ है। ये इस मोटे से इंसान को पहचान लो, ये हमारा आज से नया राइडिंग पार्टनर बटे। कैसे हो? तो अभी हमारा प्लान बिल्कुल सेट है, हम निकलने वाले हैं राइड पे, बट एक सरप्राइज आपके लिए और है, वो हम नीचे जाके बताएंगे। ऑब्वियसली परी आया तो कुछ साथ में भी आया होगा, तो बताते हैं आपको नीचे जाके बताते हैं। सो वी आर डाउन एंड ये चाबी देख के आपको समझ ही होगी क्या सरप्राइज है। तो इसके पीछे खड़ी है परी की बाइक। परी, क्या एक्सपीरियंस है तेरा बाइक लेके? बाइक यार बड़ी ज़्यादा मस्त है, बड़ा मज़ा आता है इसको चलाने में। And this is a Benelli Imperial 400. Benelli Imperial 400. तो भाई ये बाइक, इसकी बाइक मतलब खतरनाक है। ऑलमोस्ट लुक लाइक अ क्लासिक बट हैव मोर पावर देन द क्लासिक। तो डेफिनेटली बात है आज इसको चलाएंगे, टेस्ट करेंगे इसको, और अपनी बाइक भी निकलेगी साथ में। तो अभी निकलते हैं, राइड पर जाते हैं एंड इसकी पावर चेक करते हैं, अपनी बाइक की पावर चेक करते हैं कौन सी बेस्ट है, वो चेक कर ही लेते हैं। सो हे साइड द मंडे राइड, मंडे कह लो, जन्माष्टमी की राइड कह लो, और ये सामने हमारी नई बाइक जा रही है Benelli की इम्पीरियल। और भाई काफ़ी स्टाइलिश लग रहा है इस बाइक के ऊपर एंड काफ़ी सूट कर रही है इसको ये बाइक। अपने पास तो भाई अपने को क्लासिक ही सूट करती है, इसको ये काफ़ी अच्छी सूट कर रही है। दूर से देखोगे तो क्लासिक जैसी लग रही है बट नहीं भाई, बाइक काफ़ी प्यारी है यार ये वाली Benelli की। अभी फिलहाल टेस्ट राइड तो नहीं ली मैंने इसकी, जो एग्जॉस्ट नोट है वो भी काफ़ी प्यारा है। पहले ये भी क्लासिक ही ले रहा था बट ड्यू टू सडन चेंज, क्योंकि क्लासिक का नया अपर वर्जन आ रहा है, इसको वो चीज़ पसंद नहीं आई, इसने एक दिन के अंदर कैंसिल करवाई बुकिंग और नेक्स्ट डे इसने अपनी बाइक ले ली है वाली। जिस दिन इसने ली थी उस दिन बुलाया भी था लेने के टाइम पे, तो हमने मैं सोचा मैं ब्लॉक कर लूँगा उस दिन पे, तो ये कहता भाई अभी मैंने डिस्क्लोज नहीं करना किसी को मैंने बाइक ली है, जिस दिन पहली राइड पर जाएंगे उस दिन करेंगे डिस्क्लोज। मैंने बोला चलो ठीक है, वो वैसा भी सीन ठीक है क्योंकि स्टार्टिंग में होता है ना नज़र वगैरह लग जाती है एंड ही सुपरस्टिशन के मतलब मामले में ना ये काफ़ी आ गया है, तो ठीक है मतलब जैसे इसको पसंद इसी की बाइक है, इसी की चीज़ है, जैसे इसको पसंद। एट द एंड ही इज़ हैप्पी, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेहनत से ली है बंदे ने वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड अभी फिलहाल हम निकल रहे हैं आई गेस उधमपुर वाली साइड पर जाएंगे राइड करने के लिए, और इसकी परफॉर्मेंस का पता चल जाएगा। इसकी तो परफॉर्मेंस का पता ही है हमको, 300 रुपये का पेट्रोल घूम के आ जाओ। तो ठीक है अभी चलते हैं, मज़े मज़े से जाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा स्पीड अप करता नहीं अपनी बाइक को। हम तारा तो क्या ही है भैया, हम तो कहीं पे भी निकाल लेंगे, ये बेचारा नया नया ड्राइवर है तो इसके साथ इसी की स्पीड में चलेंगे आज। काफ़ी सही परफॉर्मेंस दे रही है भाई साहब ये, मतलब ऑब्वियसली पता है 400 cc की बाइक है या 350 cc की बाइक है, ये इतनी पिकअप पे नहीं है बाइक इनफील्ड की। एक टाइम पे इनफील्ड की पिकअप काफ़ी अच्छी होती थी बट इन्होंने लिमिट कर दिया इसकी रेंज को, पुराने वाले तो काफ़ी पिकअप कर लेते थे बट ये जो नए वाले मॉडल थे ना इसमें स्पीड की लिमिट हो चुकी है, मतलब तुम 100 से ऊपर नहीं जा सकते, मुश्किल से पहुंचती है 80 के ऊपर तो वाइब्रेट करनी शुरू हो जाती है, मतलब इसकी तो अलग ही परफॉर्मेंस है भाई साहब। आगे निकल रहे पीछे तेरे बाइक का है तेरी बट सही है, मज़ा आ रहा है यार तेरी बाइक लुक, और ऑन रोड प्रेजेंस से वो है ना, रोड प्रेजेंस भी काफ़ी सही है इसका। अंकल भी पूछ रहे थे शायद तेरे से प्राइसिंग का ना, कल अभी इसको लास्ट सिग्नल के ऊपर इसको एक अंकल दिखे तो वो इससे बाइक के बारे में पूरा पूछ रहे थे, मतलब ऑब्वियसली बात है जब इसकी इस बाइक की रोड प्रेजेंस काफ़ी सही लग रही है यार एंड अंकल भी फ़ैन हो गए इस बाइक के। मैं जब बाइक चलाऊंगा तो उसके बाद मैं कितना फ़ैन होता हूँ उसका आई डोंट नो, बट अपनी राम प्यारी अपनी राम प्यारी है, इसका कोई मुकाबला नहीं। उसको कोप करने के लिए मेरे को AC से ऊपर चलानी पड़ रही है,
वो भाई साहब V100 मेरी 110 जा रही है, उसकी कितनी जा रही है? मैंने कहा उसकी 80 जा रही है कि मेरी 110 जा रही है? वो भाई साहब रुक जाओ भैया भैया, आराम से आराम से आराम से मेरी 110 जा रही है, मेरी 110 जा रही है, आराम से चला। तो फिलहाल अभी बाइक अपनी स्विच की है, और ये वाली बाइक का मैं बताऊँ ना यार, मज़ा ही अलग है। एक तो काफ़ी हाइट पे थोड़ी सी ऊंची है, वो थोड़ी सी स्लीक है, वो मेरी वाली बाइक जो काफ़ी नीचे है, और उसका हैंडल ना थोड़ा सा ऐसे आना पड़ता है, थोड़ा नीचे को आना पड़ता है। बट यार इसका अपना फील है, उसका अपना फील है। ये थोड़ी स्मूथ चलती है, वो थोड़ी हार्ड चलती है, लाइक मे बी 3 साल हो गए होंगे, थोड़ी हार्ड चल रही होगी, इंजन इतना तो दिक्कत देगा ही देगा। बट इसकी ये स्मूथ है, इसमें इतनी वाइब्रेशन नहीं है, उसमें वाइब्रेशन काफ़ी है। अब मैं ये नहीं कर रहा कि अपनी बाइक को गलत बोल रहा हूँ और इसको अच्छा बोल रहा हूँ, बस ये है कि मैं इसकी अपने फ़ायदे बता रहा हूँ, उसको कुछ नहीं गलत बोल सकता भाई, वो मेरी जान है, उसको मैं कुछ नहीं गलत बोल सकता, वो मेरी वो एनफील्ड है। हाँ ये है कि अकॉर्डिंग टू लाइफ, अगर मैं लाइफ कंपेयर करूँ तो ऑब्वियसली बात है यार, एनफील्ड पूरा लोहा है, उसकी लाइफ को क्या ही होना है। बट ये आई गेस ये फाइबर बॉडी है, हाँ ये फाइबर बॉडी है, तो इसकी लाइफ को मैं इतनी गारंटी नहीं दे सकता। बट हाँ फील चलाने का मज़ा, सिटिंग काफ़ी अच्छी है, थोड़ी सी हार्ड है बट ठीक है, अपनी वाली से तो कम ही है, अपनी वाली थोड़ी ज़्यादा ही हार्ड है। और सिटिंग पोस्चर भी काफ़ी सही है, एकदम स्ट्रेट एंड ठीक है यार, बड़ी प्यारी मशीन है। पिकअप भी काफ़ी सही है इसकी, सबसे बड़ी बात है कि फ्यूल गेज दिया है और गियर बता रहा है कि कौन सी चल रही है। ब्रेकिंग में मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि मेरे को ब्रेकिंग यहाँ पे थोड़ी सही नहीं लगी, आगे होगा पता नहीं, बट ये तो पहला एक्सपीरियंस था ब्रेकिंग का, वो मेरे को इतना सही लगा नहीं, बट आगे शायद ब्रेक अच्छी दब जाए। अरे आओ पकौड़े वाले भैया, चाय का उधमपुर का ट्रिप है, कहाँ तक मुड़ दे यार, मेरे घर से बोल गया कि उधमपुर जा रहा है मेरे, ठीक है हम यहाँ पे पकौड़े खिला के बोल रहे हैं, यहाँ से मुड़ जाओ वापस जैसे कोटले तक चलेंगे। ये ऐसा बनता है कि राइड का बोल के ना बीच में राइड अवॉर्ड कर रहा है, बाइक के लिए इंस्टॉलमेंट पे करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा कह रहा है मेहनत करनी, इंस्टॉलमेंट पे करनी है, मेहनत करनी पड़ेगी। छुट्टी है आज कितनी किसकी, आज जन्माष्टमी की छुट्टी है, मैं भी बिजनेस नहीं कर रहा, छुट्टी आज काम करके निकला वो अलग बात है, मैं अपने काम खत्म करके निकला, अपने काम खत्म करके नहीं निकला, दो भी उस पकड़े वगैरह खा के यहाँ से घर को निकलेंगे वापस। और यहाँ पे काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ये परी भाई साहब माने कि हाँ थोड़ी आगे चलते हैं, मैंने बोला चल कहीं नहीं जाना तो एटलीस्ट जदकोटली चलते हैं, थोड़ी बहुत फोटो छोटो खींच लेंगे, एटलीस्ट अब निकले हैं तो ऐसे सीधा खा पी के घर पे क्या ही जाना, संडे होता तो चलो अलग बात है, अब मंडे को निकले हैं तो थोड़ा सा ऐसे मंडे वाली फीलिंग भी तो होनी चाहिए ना कि छुट्टी है भाई गॉड, मतलब ये नहीं है कि जाके सीधा घर जाके बैठ गए, तो थोड़ा सा चलते हैं आगे जदकोटली चलते हैं। वैसे भी आपको कभी दिखाया नहीं ब्लॉग के अंदर जदकोटली, तो ठीक है दिखा देते हैं, बाइक वगैरह नीचे उतारेंगे, थोड़ी बहुत ही फोटो शोटो खींचेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई की बाइक आई है तो फोटो बनती है। एंड अभी अपने पास इक्विपमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, एज ए साइड की गिम्बल भी है अपने पास, हाँ ये हालात है मेरे बाइक के, वाइब्रेट मार रही है, गिम्बल भी है अपने पास, DSLR भी है, कैमरा तो अपने फ़ोन के हैं ही है, तो हम अच्छा सा कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो चलो शुक्र है मान गए, तो निकलते हैं अभी आगे। जदकोटली का सबसे पुराना रास्ता, यहाँ से पहले पिकनिक के लिए मतलब बचपन में बसेस वगैरह यहाँ से ही आती थी, इससे बेटर रास्ता आगे है बट ये सबसे पुराना रास्ता है, तो यहाँ से मतलब गाड़ी बाइक वगैरह आप सीधा पानी में डायरेक्ट लेके जा सकते हो, इसलिए हमने ये जगह जो ये वाला रास्ता जो है वो ऑप्ट किया क्योंकि एटलीस्ट बाइक भी जाए। ओहो इट्स क्वाइट रिस्की, ओके 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 मैं तो निकाल लूँगा इसका पता नहीं, पहले ये जगह थी मतलब यहाँ पे जो स्विंग्स लगी यहाँ पे मतलब चिल्ड्रन पार्क था पूरा, यहाँ से बसेस वगैरह आती थी, अब तो नहीं है कुछ भी खास, देखो सीधा सामने हम पानी में उतर सकते हैं ढाऊ, ओहो पाँच तो पानी का फ्लो भी काफ़ी ज़्यादा है, तब पीछे बारिश हुई है, ओके बड़ी मेहनत के बाद हमारी बाइक्स जो है ना यहाँ पे आ चुकी है, ये अपनी बाइक्स है और ये भाई साहब जा रहे हैं पानी के अंदर, मतलब इसको इतना डर लगता है ना अपनी बाइक को थोड़ा सा भी हाथ लगाने के लिए, मतलब क्या ही बताऊँ बेचारी की नई नई बाइक, अब क्या कर सकते हैं, होता तो है डर है ना भाई अपना एक्सपीरियंस बता, कैसा एक्सपीरियंस? हमारी बाइक ना वो सामने जहाँ पे जिप्सी खड़ी है ना वहाँ पे खड़ी थी, और उसके बाद अपनी बाइक से हम ना यहाँ पे लेके आए, बस इतने से डिस्टेंस के लिए ये बंदा इतना डर चुका था भाई, मतलब हिम्मत ही लाने की मेरी भी 2.5 लाख की है, तेरी पुरानी हो गई है, मेरी सर्विस तो होने दे,
जहाँ बोलेगा वहाँ डाल देगा बाइक को। वो नहीं नहीं बाइक का थोड़ा सा डर तो होता ही है, ऑब्वियस ही बात है। तो वो भी अपने पैसों की यार, घर वालों की भी नहीं यार, अपने पैसों की बाइक का थोड़ा, चलो अपनी चीज़ों को तो कदर होता है। ठीक है भाई को थोड़ी सी है, मतलब थोड़ी टेंशन है अपनी बाइक की, चलो कोई बात नहीं। बट मैंने, मेरे को पता है अपना एक्सपीरियंस है, मैंने यहाँ पे बाइक लगा दिया सेफली, निकाल भी दूंगा भाई, टेंशन नहीं लेना। ये थोड़ा सा डरपोक भी होता है यार, मैंने पॉलिसी में जाना, मैं क्या कर रहा हूँ। तो पॉलिसी में जा, बैठ जा थोड़ी देर, आया तो निकले तो निकले, ये नहीं गीला हो जाऊंगा। हाँ गीला हो जाएगा तो अंदर मत जाना, किसने बोला पानी के लिए? ये भाई साहब अंदर चले नहाने के लिए, किसने बोला नहाने के लिए? जाते जाते बीमार पड़ जाएगा तू। तो अभी यहाँ पे थोड़ा फोटोज वगैरह खींचते हैं, थोड़ा चिल आउट करते हैं, है ना? क्या बोल, उसे तूने मैगी खानी है? उसे मैगी खा के निकलेंगे फिर हम। यहाँ पे ख़त्म होती है अपनी फ़ोटोशूट वगैरह की मस्ती, मज़ा आ गई इसको, मज़ा आ गई मेरे को, मेरे कपड़े पूरे गीले हो चुके हैं। अब बस तूने जाना इंश्योरेंस के लिए? अब आई आई ये 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 तो नंगे पैर, जब इंश्योरेंस के लिए नहीं जाना, मैगी के लिए जाना, मैगी के लिए जाना। यार जब तुम पत्थर पे नंगे पैर पे चल रहे होते ना तो चुपते बड़ी जोर से। बस यहाँ से ये भाई साहब सारा पैकअप कर रहे हैं। जूते कहे तेरे? ये कहता जूते साइड करना फ्रेम से, मैंने पैर से उठा के फेंके पा। बाइक हमने शौक शौक के चक्कर में नीचे तो उतार दी थी फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए, जब ऊपर लाते लाते ना अपनी बैंड बज गई, बट चलो संभव ऊपर आ ही गई है। एंड अगर हमने टनल क्रॉस की और भैया की शॉप पे आके चाय पकौड़े या मैगी नहीं खाई तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो आ गया भाई यहाँ पे खाने पीने के लिए, पेट वगैरह फुल करेंगे उसके बाद जाएंगे घर पे, क्योंकि ये काफ़ी लेट हो रहा है। अब ये सही भी बोल रहा है कि मेरे को जाना काम से, बट ऑब्वियसली बात है इसकी छुट्टी नहीं है, मेरी छुट्टी है, तो मैं तो अपना एंजॉय कर रहा हूँ। ये बेचारा मेरे साथ फंस गया थोड़ा सा। तो कैफे है ना जो जो हमारा एक चेक पॉइंट बन गया, चेक पॉइंट ही बन गया वो सारा। जो जो मेरे साथ राइड करता है, जो जो मेरे साथ ट्रेवल करता है, यहाँ पे तो ज़रूर रुकता है। और बड़े लोग रुके हैं हमारे साथ, और बड़े लोग अब नहीं है जो नहीं रुके हमारे साथ, वो चले गए। आना जाना चलता रहता है, एंजॉय करते रहना चाहिए, एंजॉय करते रहो, एक लाइफ मिली है उसी में एंजॉय करते रहना चाहिए, ज़्यादा सोचना नहीं होता, काम करते रहना। थोड़ा इस भाई को कुछ भी करना हो, इस भाई को याद कर लेना, ये परेशान बहुत करता है। कोई कांड करना हो तो मेरे को याद कर लो, मतलब तुमको हद से दुखी मैं कर सकता हूँ, है ना? ये बेचारा मेरे साथ जाता है, बड़े शौक से जाता है कि हाँ भाई एडवेंचर करेंगे यार। इतनी बुरी हालत थी जिसने पीठ की बैंड बज गई थी, एक हफ्ता बेड पर आ गया। मतलब मेरे माइंड में जो खुराफाती चीज़ें होती है ना, मैं अपनी कर लेता हूँ, अगला बंदा क्या कर रहा है मेरे को कुछ लेना देना नहीं उस चक्कर में। भाई मैं अपना निकलो एन्वायरमेंट के लिए, मैं तो पूरी करूँगा, तुम जाओ बाहर में, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। तू बोलता रहता कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते, चल पिछले ब्लॉग में तूने मेरी बेइज्जती करी थी, बीप कर देना उसको। अच्छा ठीक है, बीप चल, कोई चक्कर नहीं, खा पी फिर निकलते। तो यहाँ पे परी अब ऊपर से निकल चुका है, मैं जा रहा हूँ अब घर पे। उसको सरवाल कोई काम था अपना, जैसे वो तब से बता रहा था कि उसने इंश्योरेंस के लिए कहीं पे जाना था, तो वो जा रहा है अपने क्लाइंट के पास, मैं जा रहा हूँ अपने घर पे। तो यहाँ ख़त्म होती है अपनी छोटी सी राइड। बेसिकली ये इतनी इम्प्रॉम्प्ट थी, मतलब पता ही नहीं था कि क्या करना क्या नहीं करना। गिम्बल भी लेके गया बट उसकी बैटरी डाउन हो गई थी, एंड ये गोप्रो की भी बैटरी डाउन होने वाली है। तो राइड को यहाँ पर एंड करते हैं, होप आपको ये छोटी सी राइड अच्छी लगी होगी, छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड अगर अच्छा लगा तो यू नो द ड्रिल, लाइक कमेंट एंड शेयर। और हमने रील्स वगैरह भी बनाई हैं, अगर आपको चेकआउट करनी है तो आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा मैंने, डेफिनेट सी बात है। तो जाओ चेक करो, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स मिलती रहती है काम के रिलेटेड, मेरे ब्लॉग्स के रिलेटेड, और छोटा मोटा चलता रहता है। तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। एंड अभी हम मिलते हैं घर पे, ऐसे आज जन्माष्टमी है तो लोग काइट्स वगैरह भी घर लेके जा रहे हैं। एंड अभी मेरे को यहाँ पे थोड़े सेफली चलाना पड़ता है क्योंकि डोर कहीं से भी आ सकती है एंड गला कहीं से भी कट सकता है, तो इसलिए मैं सेफली घर जाता हूँ। इसको यहाँ पे एंड करते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा डेफिनेटली, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।